बात करेंगे कुंभ लगन व कुंभ राशि की विशेषता व सभी ग्रहों का फलादेश। कुंभ लगन में शनि, गुरु, मंगल, शुक्र, बुध, सूर्य, चंद्रमा अभी सभी सात ग्रह आपको क्या फल देंगे उसके बारे में बात करेंगे और कुंभ लगन की क्या विशेषता है, कुंभ राशि की क्या विशेषता है इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कारक ग्रह कौन से होते हैं कुंभ लगन में। कुंभ लगन में कारक ग्रह बनता है शुक्र, योग कारक बनता है। एक तो केंद्र का मालिक सुख भाव होगा और भाग्य स्थान का मालिक, त्रिकोण का मालिक, इसलिए शुक्र आपका सबसे बड़ा योग कारक बनता है। उसके बाद में बनता है शनि, शनि के बाद आपका अकारक ग्रह बनता है सूर्य, चंद्रमा, गुरु और मंगल। तटस्थ बनता है बुध, क्योंकि अष्टम भाव का मालिक बुध होने के कारण तटस्थ ग्रह बन जाता है। तो पंचम भाव का मालिक भी बुध बनता है, इसलिए बुध आपका तटस्थ ग्रह बन जाता है। अब बात करेंगे कुंभ लगन की विशेषता व कुंभ राशि की विशेषता के बारे में कि आपको क्या विशेषता है इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद ग्रहों का फल के बारे में बात करेंगे। तो सुनिए दोस्तों, कुंभ लगन जो होता है, कुंभ लगन में जन्मे जातक दुबले पतले एवं लंबे शरीर के होते हैं। कुंभ लगन शनि इनका लग्नेश होता है, इसलिए दुबले पतले व लंबे शरीर के होते हैं। इनका चेहरा देखने में आकर्षक एवं होठ व गाल सुंदर होते हैं। रंग सांवला अथवा दबा हुआ होता है। इनकी स्मरण शक्ति बड़ी तीव्र होती है और मानसिक शक्ति तो इन्हें ईश्वरीय देन होती है। मानसिक शक्ति काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है जो ईश्वरीय देन होती है। कुंभ लगन वालों की विचारधारा दार्शनिक होती है, घूमने फिरने में काफ़ी ज़्यादा ये रुचि लेते हैं और दार्शनिक रहते हैं। भगवान के मंदिर वगैरह अच्छे अच्छे जगह जाना इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। दूसरों की सहायता करना और दूसरों की राय दिखाने में बड़े खुश होते हैं। दोस्तों मेरा खुद का भी एक कुंभ लगन है, इसलिए मैं देख लो आपके सामने आपको एक नया रास्ता दिखाता हूँ और आपको गाइडलाइन देता हूँ। आप सोच सकते हो मेरा कुंभ लगन बनता है और लगन में ही शनि विराजमान है। दूसरों की सहायता करना व दूसरों को राह दिखाने में बड़े खुश होते हैं। यह जवान के बड़े कड़वे होते हैं, खरी खोटी सुनाने में आगा पीछा समय असमय नहीं देखते हैं। अपने मित्रों शुभचिंतकों के बारे में जो भी अगर इनको गलत लगेगा तो उनको गलत जरूर बोलेंगे। इनके जीवन में संघर्ष अधिक होता है, हम आपके सामने संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष काफ़ी ज़्यादा अधिक होता है और अथार संघर्ष रहकर ही इनके जीवन का निर्माण होता है। कठिन एवं विपरीत परिस्थितियों से भी ये नहीं घबराते हैं, उसका सामना करते हैं। मकर लगन वाले भावुक, कल्पनाशील और महत्वाकांक्षी होते हैं, किंतु इनकी महत्वाकांक्षा कम ही पूरी होती है। यह लोग एकांत प्रिय होते हैं। एकांत में बैठना, पार्क, वन, पहाड़ी आदि एकांत में जगह में घूमना इनको ज़्यादा पसंद होता है। कुंभ लगन वालों को एकांत में बैठना घूमना पसंद होता है। मकर लगन वालों से ज़्यादा भावुक होते हैं ये। इनकी उन्नति एवं अवनति का फल अचानक प्राप्त होता है। इनके जीवन में बहुत अधिक मेहनत से ही सफलता मिलती है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही सफलता मिलती है। सफलता मिलने के बाद वह स्थिर रहती है और उनका साथ देती है। दोस्तों अब बात करेंगे कुंभ लगन में ग्रहों के फल के बारे में कि आपके ग्रह आपको क्या फल देंगे उसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य आपको क्या फल देंगे उसके बारे में। सूर्य कुंभ लगन में सप्तमेश आपके सातवें भाव का मालिक बनता है, केंद्र स्थान का मालिक बनता है, अशुभ नहीं होता है। सूर्य जन्म कुंडली में बलवान होने पर शुभ फलदायक रहेगा। स्वग्रही होने पर सूर्य आपको सातवें भाव से संबंधित फायदे करवाएगा। व्यापार में लाभ, पार्टनरशिप में लाभ और आपकी पति पत्नी में दाम्पत्य जीवन में सुखी जीवन करेगा। बात करते हैं मंगल के, चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा के बारे में बात करते हैं, ये देखिए चंद्रमा आपका छठे स्थान का मालिक बनता है। छठे स्थान रोग भाव शत्रु का मालिक चंद्रमा बनता है, इसलिए कुंभ लगन के लिए चंद्र हानिकारक है, अशुभ फलदायक सिद्ध होगा। अगर चंद्रमा आपका बलवान हुआ तो आपको इस चीज़ से रिलेटेड कंपटीशन ट्रबल्स लाइफ में बढ़ जाएंगे। बात करते हैं मंगल के बारे में। कुंभ लगन में मंगल कुंभ लगन के लिए दशम व तृतीय भाव का स्वामी बनता है। दशम भाव का मालिक, दसवें स्थान का आपके कर्म भाव का मालिक, तीसरे स्थान का मालिक बनता है मंगल। तो दशम भाव केंद्र भाव है, केंद्र का स्वामी होने से मंगल की प्राकृतिक अशुभता नष्ट हो जाती है और वह शुभ हो जाता है, किंतु तृतीय भाव का स्वामी होने से पुनः पापी हो जाता है। यहाँ पर केंद्र भाव का मालिक मिलने से काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, शुभ हो जाता है, लेकिन तीसरा स्थान का वापिस मालिक होने से पुनः पापी हो जाता है और पापी होने से इनके मंगल के फल कभी कभी अचानक काफ़ी ज़्यादा खराब रहते हैं। मंगल अगर पापी व निर्बल हुआ कुंभ लगन वालों के तो शुभ फलदायक रहेगा अर्थात धनदायक सिद्ध होगा। निर्बल मंगल अपनी दशा में आर्थिक दृष्टि से
बहुत सुफल देगा। निर्बल मंगल अपनी दशा में आर्थिक दृष्टि से बहुत ज्यादा सुफल देगा, लेकिन कर्म भाव के लिए आपको दिक्कत समस्या दे सकता है। आपकी जॉब के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। राज्य का भाव का होता है यह दसवां भाव, इसमें अगर मंगल आपका अगर बहुत पीड़ित है तो बहुत दिक्कत समस्या हो सकती है। बात करते हैं बृहस्पति के बारे में। कुंभ लग्न के लिए बृहस्पति द्वितीय भाव दूसरे भाव का मालिक और आपके एकादश भाव का मालिक बनता है। दो घरों का मालिक आपका गुरु बनता है बृहस्पति, दो घरों का मालिक गुरु बनता है। द्वितीय होने के कारण स्थानांतरण का फल करेगा और गुरु एकादश भाव का मालिक होगा। जो अशुभ भाव है, एकादश अशुभ होने से उसका फल भी अशुभता लिए हुए होगा। अर्थात स्वास्थ्य खराब, रोग आदि, किंतु ऐसा बृहस्पति धन के लिए बुरा नहीं फल देगा। लेकिन कुंभ लग्न वालों के लिए बलवान बृहस्पति दृष्टि वस्तुओं से मूल्यवान और सुप्ता प्रदान जरूर करेगा। बलवान होना भी जरूरी है क्योंकि धनदायक आपका परिवार का घर है बृहस्पति और लाभ का भी घर है, तो बलवान होना भी जरूरी है। लेकिन निर्बल हुआ और पीड़ित हुआ तो आपको ये दोनों भावों से फल नहीं देगा और पीड़ित करेगा आपको। बात करते हैं कुंभ लग्न के लिए बुध का फल, बुध आपको क्या फल देगा उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों ध्यान से सुनना, देखो कुंभ लग्न वालों के लिए बुध पंचमेश व अष्टमेश बसता है, पंचमेश व अष्टमेश बनता है। पंचम भाव त्रिकोण है, अत्यंत शुभ होता है और दशम भाव पापी है, अशुभ है। बुध की मूल त्रिकोण राशि तो अष्टम में है। यहाँ स्थिति बड़ी विचित्र है क्योंकि बुध यदि निर्बल होगा तो शिक्षा संतान आदि के लिए अशुभ होगा, रोग देगा। यदि बुध बलवान होगा तो आयु स्वास्थ्य के लिए शुभ होगा। वैसे इस स्थान पर महर्षि पराशर ने बुध को सफलदायक कहा है। यहाँ बुध का निर्बल होना धन के लिए अच्छा फलदायक है। अगर बुध आपका अस्त हो गया सूर्य के साथ या बुध यहाँ पर बैठा हो अपनी राशि में, तो आपके लिए धनदायक ससुराल से आपको फायदा जरूर देगा। ससुराल पक्ष से बुध आपको काफी फायदा देगा। बात करते हैं कुंभ लग्न के लिए शुक्र के बारे में। कुंभ लग्न वालों के लिए शुक्र आपके चौथे स्थान का मालिक और भाग्य स्थान का मालिक बनता है। दो घरों का मालिक शुक्र बनता है, एक केंद्र भाव की स्थिति है, एक है आपके भाग्य त्रिकोण भाव की स्थिति। तो शुक्र आपके लिए राजयोग कारक ग्रह बन चुका है, सबसे बड़ा ग्रह। इसका रत्न आपको धारण जरूर करना चाहिए, ओपल स्टोन जरूर धारण करें या हीरा रत्न धारण करें। हीरा तो आपको बहुत लग्जीरियस लाइफ की तरफ लेके जाएगा, लेकिन ओपल रत्न आप धारण कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो बात जानते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र आपको कुंभ लग्न वालों के लिए शुक्र राजयोग कारक ग्रह है क्योंकि यह केंद्र चतुर्थ भाव और त्रिकोण नवम भाव का स्वामी बनता है। वाहन सुख, धन सुख, भाग्य सुख, जमीन जायदाद सुख आदि प्रदान करने वाला होता है। यदि कुंडली में शुक्र निर्बल अथवा नीच अथवा अपने भाव से अनिष्ट स्थानों में हो तो ग्रहवान माँ भाग्य आदि से वंचित कर दुखी और भाग्यहीन बनाता है। भाग्य बहुत कमजोर रहेगा और पीड़ित रहेगा, शत्रुओं से घिरा हुआ रहेगा। अगर छह सिक्स घर में बैठ जाएगा तो आपका भाग्य शत्रुओं से गिरा रहेगा, जिससे आपको दिक्कत समस्या होती रहेगी। बात करते हैं कुंभ लग्न के लग्नेश की स्थिति क्या होगी, अगर कुंभ लग्न में शनि आपको क्या फल देगा। दोस्तों कुंभ लग्न के लिए लग्नेश शनि आपके एक तो लग्न का मालिक बनता है और द्वादश भाव का स्वामी बनता है। द्वादशेश स्थानांतर का फल करेगा। अतः लग्न जो शुभ है वह केंद्र त्रिकोण, शनि की मूल त्रिकोण राशि जो होती है वो होती है कुंभ राशि। तो अपनी मूल त्रिकोण राशि का फल पहले करेगा, बाद में शनि अपनी मकर राशि का फल देगा। तो लगन का मजबूत होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। अगर लगन में राशि पड़ती है तो सस योग बनेगा आपका। अगर शनि यहाँ पर विराजमान हुआ तो आपको सस योग बनेगा, सस योग से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। लगन में शनि आपको हर तरह का भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, सुख, हर तरह से आपको फायदा, धन, सम्मान, मान, स्वास्थ्य आदि शुभ प्रभाव मिलेगा। निर्बल शनि अथवा अशुभ शनि धन, मान, सम्मान, स्वास्थ्य में न्यूनता लाएगा, कमी लेके आएगा। दोस्तों वीडियो को आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसके बाद वीडियो आएगा मीन लग्न में मीन राशि की विशेषता के ऊपर। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।